हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ मेची 2 for 1। देख सकते हो इसका जो है गाड़ी चिकला करा रहा था, चिकला करते करते जो गाड़ी है खड़ा हो चुका है। अभी स्टार्ट करके दिखाता हूँ क्या हुआ है। चलो स्टार्ट करो थोड़ा, देख सकते हो आगे नहीं जा पाएगा। जैसे स्टार्ट कर लिया है गाड़ी, अभी देख सकते गियर लगाने से जो है गाड़ी जो है आगे नहीं जा रहा है, थोड़ा हिल रहा है, आगे नहीं जा रहा है। देखो गाड़ी खींच के लेके आया है, तो गाड़ी को खींच के लेके आया हूँ। इसका जो मेन रीजन है क्लच प्लेट जो है टूट चुका है, जिसके कारण जो है गाड़ी चक्का में झटका ले रहा था, आगे आने के लिए बहुत इसको दिक्कत जा रहा था। अब देख सकते हो इसका जो क्लच प्लेट का असेंबल है पेशा प्लेट, उसको निकालेंगे। फिंगर सेटिंग पूरा इस इधर आओ थोड़ा, देख सकते हो जो क्लच असेंबल है उसको निकाल लिया हूँ। और क्लच प्लेट टूट गया, किस तरीके से टूटा उसको भी दिखाऊंगा। पूरा जो है टूट चुका था क्लच प्लेट, जिसके कारण जो चक्का में थोड़ा राउंड ले रहा था, आगे जा रहा था, फिर क्या खड़ा हो रहा था, तो इस तरीके से टूट चुका है क्लच प्लेट, जिसके कारण बहुत परेशानी। चिकला में मेरे को गाड़ी जाके देखना पड़ा, देख के फिर लाना पड़ा। देख सकते हो जो क्लच प्लेट है नया लेके आया हूँ। इसका जो रेट है 2840 रुपये रेट है इसका MRP। जैसे एक क्लच प्लेट है पुराना, इस तरीके से टूट चुका है, एक कूपा टाइप बोलते हैं इसको, कूपा टाइप का जो है क्लच प्लेट, कूपा टाइप। देख सकते हो एक क्लच प्लेट है, इसको हम सेटिंग करेंगे। पहले क्लच प्लेट को इस तरीके से आपको पेशा प्लेट में रखना है, फ्लाईव्हील में, थोड़े इधर पकड़ो। देख सकते हो अभी जो पेशा प्लेट है पेशा प्लेट की सेटिंग करेंगे, इस तरीके से आपको सेटिंग करना है। निकालो, देख सकते हो एक इसका टापशाप है पुराना, टापशाप से इसको पकड़ो, टापशाप से इसको सेटिंग करें करके रखेंगे। और इसका जो फ्लाईव्हील का बैरिंग है 6203 का बैरिंग आता है, उसको भी आपको ध्यान में हर टाइम रखना है, क्या कभी कभार बैरिंग का नंबर जो है दिखाई नहीं देता है। इस हिसाब से आपको जो बैरिंग है आसानी से मिल जाएगा, 6203 का बैरिंग है। देख सकते हो जो असेंबल है क्लच प्लेट का सेटिंग कर लिया हूँ। अभी जो फिंगर है फिंगर को भी आपको सेट कर देना है, किस तरीके से सेटिंग है उसको दिखाएंगे। तो जो फिंगर है फिंगर को आपको 13 mm रखना है, 13 mm, 13 mm आपको फिंगर एडजस्ट करना है। क्या ये भी जो है इसका जो फिंगर का वाशर है क्या ख़राब हो जाता है, जिसके कारण थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा इसका। और अंदर में भी एक क्लच प्लेट है PTO वाला, उसको आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। देखो तो यहाँ पर बोल्ड है, दिखा थोड़ा नीचे में दिखा। देखो तो यहाँ पर बोल्ड है, ये बोर्ड से आप एडजस्ट कर सकते हो क्लच का, क्या तब जो आप फिशर चलाओगे फिशर चलाने के लिए आसान होता है। देख सकते हो अभी पूरा सेट कर लिया, अभी गाड़ी को जोड़ेंगे, लगा धक्का आराम से चलो, लगा धक्का लगा, थोड़ा नीचे करो। देख सकते हो गाड़ी जो है आपस में जोड़ लिया हूँ। अभी इसका जो बोल्ट है बोल्ट को टाइट करूंगा, टाइट करने के बाद आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ किस तरीके से जो गाड़ी है सही हो चुका है। देख सकते हो फाइनली गाड़ी बना के पूरा कंप्लीट कर लिया हूँ, अभी स्टार्ट भी कर लिया हूँ, अभी चला के दिखाऊंगा, चलाओ। देख सकते हो पूरा जो गाड़ी है सही हो चुका है, इस तरीके से आप अपना गाड़ी का जो है क्लच प्लेट बदल सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो मेरा अगला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। क्या है अभी जो है जो भी गाड़ी है पूरा मेरे को खेत में जाके ही काम करना पड़ रहा है, बड़ा दिक्कत है अभी गाड़ी बनाने के लिए।